शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वह कथित तौर पर कराची नाम के बदले कोई मराठी शब्द के लिए बांद्रा वेस्ट में कराची स्वीट्स के दुकान के मालिक को बोलते हुए नजर आए, जिसके बाद दुकान के मालिक ने अपनी दुकान पर लिखे कराची शब्द को अखबार से ढक दिया। इस मामले में अब संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कराची स्वीट्स का नाम बदलने की मांग पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। मुंबई में कराची स्वीट शॉप 60 साल से है और पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।